महोदय नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं, स्वरूप की बालिकाएं उनका तिलक कर रही हैं और उनके लिए शुभेच्छा दे रही हैं। वलिंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को मैं देखता हूं। यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, विभिन्न बोर्डों की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।